अस्सलाम वालेकुम क्लास, लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना। हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू है वो था हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मींस, और उसको हमने अभी तक जो सॉल्व किया था वो जी डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चन करने वाले थे वो हमने किए। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो टी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि स्मॉल सैंपल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम। इसके लिए मैं एक्सरसाइज 18 पर जा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं 18.19 उसका बी पार्ट। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उसका बी पार्ट है, लिखा है टू रैंडम सैंपल्स टेकन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विद एन आइडेंटिकल वेरियंस यील्ड द फॉलोइंग रिजल्ट्स। सैंपल वन और सैंपल टू की वैल्यूज़ उन्होंने दी हैं। सैंपल वन में 12 ऑब्जर्वेशन, सैंपल टू में 18 है। एक्स बार दिया हुआ है और एस स्केयर दिया हुआ है, यानी कि सैंपल वेरियंस उन्होंने दिया हुआ है। आगे हाइपोथेसिस के बारे में देखते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द ट्रू डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन इज 10। अब यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस की वैल्यू दी है कि डिफरेंस की वैल्यू क्या है 10, और आगे उन्होंने हाइपोथेसिस भी बता दिया है दैट म्यू टू माइनस म्यू वन इज इक्वल टू 10 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव म्यू टू माइनस म्यू वन ग्रेटर देन 10 एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये क्वेश्चन ईजी है हमारे लिए। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें सैंपल वन और सैंपल टू की इंफॉर्मेशन दी है। सैंपल वन एंड सैंपल टू, एन वन उन्होंने 12 दिया हुआ है, एन टू उन्होंने सैंपल टू की इंफॉर्मेशन 18 दी है। एक्स बार, एक्स वन बार इसको लिख लेते हैं हम 10 दिया है, इसको एक्स टू बार लिख लेते हैं 25 दिया है। एस वन स्केयर सैंपल वेरियंस फर्स्ट का लिखा हुआ है 1200 एंड एस टू स्केयर लिखा हुआ है 900। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन के अंदर हमें खुद ही हाइपोथेसिस बता दी है, यानी कि पहला स्टेप उन्होंने बता दिया है कि डिफरेंस ऑफ द पॉपुलेशन मीन इज़ 10, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी उन्होंने बता दिया है डिफरेंस ऑफ द मीन ग्रेटर देन 10, क्योंकि हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर ग्रेटर देन 10 का ग्रेटर का साइन है, तो हमें पता है कि ये हमारे पास राइट टेल्ड टेस्ट है। ठीक है, राइट टेल्ड टेस्ट हमारे पास है ये वाला। दूसरा हमारे पास स्टेप क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो वो अल्फा उन्होंने दिया हुआ है हमें 0.05%। तो अल्फा अगर 0.05 है तो राइट टेल टेस्ट के अंदर हम अल्फा को चेंज कैसे करेंगे, हम उसको चेंज करेंगे 1 माइनस अल्फा के अंदर 0.95। थर्ड स्टेप हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डेफिनेटली जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारी टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी, टी कैलकुलेटेड एक्स टू बार माइनस एक्स वन बार माइनस म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन 1/n1 प्लस 1/n2। उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होता है जी, क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू के लिए हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखनी पड़ेगी, जो हमारे पास क्या होती है n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 12 प्लस 18 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। तो यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू देख लेते हैं टी वी और 1 माइनस अल्फा पे टी 28 एंड 0.95 पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी,
1.701। फिफ्थ स्टेप हम इसका लिखेंगे क्रिटिकल रीजन, क्योंकि हमारे पास ये ग्रेटर का साइन है तो ये हमारे पास राइट टेल टेस्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल रीजन के अंदर भी ग्रेटर का साइन आएगा कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू 1.701 से एक्सीड कर जाए तो हमारी वैल्यू रिजेक्शन रीजन के अंदर फॉल करेगी। सिक्स स्टेप कैलकुलेशन का होता है हमारे पास। सिक्स स्टेप अगर कैलकुलेशन का है तो हमारे पास जी ये कैलकुलेशन के लिए हमें पहले पूल्ड वेरिएंस का फार्मूला लगाना पड़ेगा, n1 minus 1 s1 square plus n2 minus 1 s2 square divided by n1 plus n2 minus 2। तो n1 minus 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 s1 square 1200 plus 17 और 900 divided by 28। तो हमारे पास पूल्ड जो वेरिएंस आ जाएगा वो आता है 1017.85। ये हमारे पास पूल्ड वेरिएंस है तो हम इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन बना लेते हैं, हम इसका स्केयर रूट कर लेंगे, इस वैल्यू को स्केयर रूट कर लेते हैं, इस वैल्यू को भी स्केयर रूट कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 31.904। तो अब हम फार्मूला लगा लेते हैं टी कैलकुलेटेड का, x2 bar minus x1 bar 25 minus 10 minus mu 2 minus mu 1 10, पूल स्टैंडर्ड डेविएशन 31.904, स्क्वायर रूट 1/12 + 1/18। तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 0.42 को देखा जाए तो वो 1.7 से बड़ी नहीं है, उससे वैल्यू छोटी आ गई है, यानी कि इसे एक्सीड कर जाती, रिजेक्शन रीजन में फॉल कर जाती, तो रिजेक्ट। अब ये क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर फॉल कर गई है, तो सेवन स्टेप वो लिखेंगे टी कैलकुलेटेड वैल्यू 0.42 फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। ठीक है जी, ये इसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एलैबोरेट कर दूँ कि ये हमारे पास वैल्यू थी 1.701 टेबल वैल्यू, ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन था, पॉजिटिव वैल्यू थी, तो हमारी वैल्यू आई है 0, तो वो 0 एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर फॉल करती है, यहाँ पर वो फॉल करती है। अगर वैल्यू 1.7 से ग्रेटर आती तो वो रिजेक्शन रीजन के अंदर फॉल करती है। ये हमारे पास क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन सारा। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट पेज है आपका इस लेक्चर का। अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18.20 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18.20 मैं सॉल्व करने लगा हूँ।
उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हमारे पास 18.20 क्वेश्चन है, लिखा है द वेट्स इन ग्राम्स ऑफ 10 मेल एंड 10 फीमेल जुवेनाइल रिंग नेक्ड फीजेंट्स आर। मेल हमारे पास उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो ये दी हुई हैं और फीमेल्स की भी दी हुई हैं, दोनों की 10 10 हमारे पास वैल्यूज़ हैं, टोटल 20 वैल्यूज़ हैं जो कि लेस देन 30 हैं हमारे पास। इसका मतलब है टी डिस्ट्रीब्यूशन से ये क्वेश्चन होगा। नीचे लिखा है टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ अ डिफरेंस ऑफ 350 ग्राम्स। अब यहाँ पे भी उन्होंने डिफरेंस की वैल्यू दे दिया 350 ग्राम्स की, ठीक है, बिटवीन पॉपुलेशन मीन इन फेवर ऑफ मेल्स अगेंस्ट द अल्टरनेटिव ऑफ अ ग्रेटर डिफरेंस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की उन्होंने हमें बता दिया है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या हमने लिखना है, ग्रेटर डिफरेंस। तो यहाँ पे फेवर किसकी है, मेल की, यानी कि मेल की जो वैल्यूज़ हैं वो एवरेज जो है वो उनसे ज़्यादा है हमारे पास। तो अज्यूम दैट द वेट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमारे पास जो, क्योंकि अब उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी सारा काम हम कैलकुलेशन के अंदर करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है एच नॉट हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू 350 एंड म्यू वन ग्रेटर देन म्यू वन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं कि म्यू वन माइनस म्यू टू ग्रेटर देन 350, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताया है कि हमारे पास जो डिफरेंस है वो 350 ग्राम है और अल्टरनेटिव में उन्होंने बताया है कि द ग्रेटर डिफरेंस ऑफ द मेल मेंबर्स। तो ये हमारे पास सेकंड, हमारे पास जो स्टेप होता है वो क्या होता है जी, इन दोनों में से आप इस हाइपोथेसिस को, ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस और ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास बनता है। और ये ग्रेटर का साइन कहाँ से हमें पता चल रहा है, जो उनकी स्टेटमेंट लिखी हुई है अगेंस्ट द अल्टरनेटिव ऑफ अ ग्रेटर डिफरेंस। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मेल की एवरेज माइनस फीमेल्स की एवरेज, उनका डिफरेंस जो है वो 350 ग्राम है। मेल की एवरेज माइनस फीमेल्स की एवरेज जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 350 है। सेकंड हमारे पास क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन के अंदर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है तो वो 0.05, तो क्योंकि ये राइट टेल टेस्ट है तो ये 0.95 बन जाएगा हमारे पास। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक का। तो डेफिनेटली हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कौन सी यूज़ होगी, x1 बार माइनस x2 बार टी डिस्ट्रीब्यूशन वाली माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय पूल स्टैंडर्ड डेविएशन 1/n1 प्लस 1/n2। फोर्थ स्टेप क्या होता है, क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू के लिए हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखनी पड़ेगी, n1 प्लस n2 माइनस 2, दोनों की वैल्यूज 10 10 है, माइनस 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू टी वी एंड 1 माइनस अल्फा टी 18 एंड 0.95 1.734। फिफ्थ स्टेप हमारे पास होता है क्रिटिकल रीजन। तो क्योंकि ये राइट टेल टेस्ट है हमारे पास तो यहाँ पे भी हमारे पास ग्रेटर का साइन आएगा। हम लिखेंगे इफ़ T calculated value is greater than 1.734, then we reject H naught को reject तब करेंगे जब हमारी value rejection region के अंदर fall करेगी। और हमारे पास cut point क्या है, 1.734 उसकी upper limit। इससे value बड़ी होगी तो reject H naught, अगर इससे value छोटी होगी तो accept H naught। छठा step हमारे पास क्या होता है, calculation का। तो calculation करने के लिए हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ये हमारे पास मेल्स की वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास फीमेल्स की वैल्यूज़ हैं,
इसको मैं एक्स वन कह लेता हूँ, इसको मैं एक्स टू कह लेता हूँ। वैल्यूज लिख लेते हैं हम, 1293, 1380, 1614, 1497, 1340, 1643, 1463, 1467, 1383 एंड 1711। दूसरी वैल्यू हम देख लेते हैं, 1061, 1062, 1071, 1021, 1138, 1143, 1094, 1270 एंड 1028। तो हमारे पास, हमें इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है जी पूर्ण स्टैंडर्ड डेविएशन की, और बाकी हमारे पास एक्स वन बार और एक्स टू बार होना चाहिए, बाकी एन वन और हमें एन टू पता है। यहाँ पे जो हम वैल्यू यूज़ कर सकते हैं पूर्ण वेरिएंस के लिए, वो यूज़ करेंगे सम ऑफ एक्स वन माइनस एक्स वन बार स्क्वायर प्लस सम ऑफ एक्स टू माइनस एक्स टू बार स्क्वायर ओवर एन वन प्लस एन टू माइनस टू। इसके लिए हमें x1 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, x1 बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x2 बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके लिए कैलकुलेटर इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं हम, 1293 प्लस 1380 प्लस 14954 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 1495.4, ये हमारे पास x1 बार आ गया। ठीक है, x2 बार हमारे पास आ जाएगा जी, x1 बार हमारे पास भी आ गया, x2 बार भी हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, x1 माइनस x1 बार स्क्वायर इसको ऐड कर लेंगे और x2 माइनस x2 बार स्क्वायर इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, एक्स वन बार एक्स टू बार मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, हमारे पास वैल्यू पहली आ गया जी 4096.57। One double three, 1 7.16, 1 4 0 6 5.96,
2.56 24149.2 2178 5.8 864.4 17318.6 12633.8 4648.3.4 हमारे पास जो इसका टोटल आ गया वो हो गया जी 191 5 8 6.5 ये आ गया जी। x2 - x2 bar स्केयर कैलकुलेट हमने करना है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई जी 191 586.5 प्लस दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 18। x2 - x2 bar स्केयर कैलकुलेट कर लेते हैं। (5) 169.61 2034.01 2510.01 1.21 3136.4.4 4212.01 इस इन वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं। हमारे पास आंसर आ गया जी 5852 8488.87 5284 8.87। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं 191 586.5 डिवाइडेड बाय 18 तो हमारे पास पूल्ड वेरिएंस बनेगा 13579.7 और इसकी हम स्टैंडर्ड डेविएशन कर लेते हैं, स्क्वायर रूट कर लेते हैं तो 116.53 हमारे पास। ये आपके पास सेकंड पेज है और यहाँ पे मैं उसका
पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन लिखने लगा हूँ 116.53। जब हमारे पास पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया तो हम टी कैलकुलेटेड का आंसर लिख लेते हैं, एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार एक्स वन बार हमारे पास है जी 1495.4 माइनस 1092.9 माइनस डिफरेंस इनका कितना था 350 का, डिवाइडेड बाय पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट 1/(n1+1/n2) (1/10+1/10) इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 116.53 52.114 1.01। तो हमारे पास 7 स्टेप कंक्लूजन टी कैलकुलेटेड 1.01 वो किस में फॉल कर गया, फॉल्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन। सो वी एक्सेप्ट एच नॉट, तो हम एच नॉट को क्या करते हैं जी, एक्सेप्ट करते हैं। ये था हमारे पास हमारा सेकंड क्वेश्चन बेटा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 18.21 आप लोगों ने वो कैसे करना है जी, सेम एज 18.20 ये आप लोगों का होमवर्क है बेटा। और इसके साथ मैं उसका आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, हाइपोथेसिस बता देता हूँ ताकि सिर्फ कैलकुलेशन आपकी रह जाएगी और स्टेप्स लिखने वाले रह जाएंगे। लिखा हुआ है द हाइट ऑफ 6 रैंडमली सिलेक्टेड सेलर्स आर इन इंचेस। 6 सेलर्स हैं हमारे पास सैंपल 1, हमारे पास सेलर्स की इंफॉर्मेशन है n1, उन्होंने दिया हुआ है 6 सेलर्स, उसकी कुछ वैल्यूज़ दी हैं। दोज ऑफ 10 रैंडमली सिलेक्टेड सोल्जर्स, और हमारे पास सेलर्स के अलावा सोल्जर्स की वैल्यूज कितनी हैं, n2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10। दोनों की उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, और वैल्यूज़ दी हुई हैं तो आप प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, आप उन वैल्यूज से सैंपल मीन कैलकुलेट कर लेंगे और पूल्ड वेरिएंस का फार्मूला जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ हुआ है उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए पूल्ड वेरिएंस और पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। डिस्कस इन द लाइट ऑफ दिस डाटा दैट सोल्जर्स आर ऑन द एवरेज टॉलर देन सेलर्स, अज्यूम दैट द हाइट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। वो कह रहे हैं कि सोल्जर्स जो हैं वो टॉलर हैं किस से, सेलर से। तो अगर ये हमारे पास फर्स्ट पॉपुलेशन है सेलर्स की, ये सेकेंड पॉपुलेशन है सोल्जर्स की, तो हमारे पास हाइपोथेसिस जो बनेगा वो क्या जी, सोल्जर्स सेकंड पॉपुलेशन आर टॉलर देन सेलर्स μ1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अगेंस्ट क्या लिखेंगे, ये इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं सोल्जर्स आर टॉलर देन द सेलर्स, तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे ग्रेटर का साइन है तो यहाँ पे क्या साइन होगा μ2 < μ1। या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं μ2 - μ1 = 0 एंड μ2 - μ1 > 0। ठीक है, इस हाइपोथेसिस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर डिफरेंस की वैल्यू नहीं दी तो डिफरेंस क्या होगा उनका 0, लेकिन ये भी हमारे पास राइट टेल्ड टेस्ट बनता है। ठीक है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंगली आपने इसको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद
एक क्वेश्चन आपने ये करना है और एक आपने ये 21 का ए पार्ट था और एक आपका जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने करना है 18.21 उसका बी पार्ट। डू योर सेल्फ उस क्वेश्चन को पढ़ना। तो बेटा ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। इसकी असाइनमेंट जो है वो भी मैं आपको दूंगा, लेकिन वो बाद में, ठीक है। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़। ये आपके पास पेज है और नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।